क्या 43 साल की श्वेता तिवारी को डेट कर रहे हैं इमली के एक्टर फहमान खान? रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, कहा मैं उनसे। फरमान ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल क्या कसूर है अमला का में सपोर्टिंग रोल से करियर शुरू किया। इसके बाद वो अपना टाइम भी आएगा और मेरे डैड की दुल्हन जैसे शोज में नजर आए। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्टिंग के साथ श्वेता सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। अब तक उन्होंने कई हिट टीवी शो के साथ बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काम किया है। इसी बीच अब श्वेता का नाम खुद से 10 साल छोटे स्टार फरमान खान के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। फरमान खान अपने करियर की शुरुआत सीरियल क्या कसूर है अमला का में सपोर्टिंग रोल से शुरुआत की। इसके बाद वो अपना टाइम भी आएगा और मेरी डैड की दुल्हन जैसे शोज में नजर आए। ऐसे में अब फरमान ने श्वेता संग लिंकअप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। फरमान खान ने मेरी डैड की दुल्हन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी शो में उनके साथ श्वेता तिवारी के स्क्रीन स्पेस भी साझा हुआ। इसी शो के बाद से ही दोनों चर्चा में आ गए थे। ऐसे में फरमान ने पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों पर ना सिर्फ चुप्पी तोड़ी बल्कि इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब भी वो किसी शो का हिस्सा होते हैं इस तरह की अफवाहें हमेशा ही उड़ती हैं। शो के दौरान मैं श्वेता तिवारी को अपना गुरु कहता था और वो मुझे अपना सखी कहती थी। ऐसा इसलिए कि हम हर चीज पर बात करते थे और हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी। फरमान खान ने बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान जब मैं श्वेता से मिलने उनकी बिल्डिंग के नीचे गया तब उसी के बाद से ही अफवाह उड़नी शुरू हो गई थी कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, जबकि मैं उनसे सिर्फ कोविड के दौरान ही मिला था। हमने इस बारे में बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। इन खबरों पर हम खूब हंसे और उसके बाद जब मैं किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो हमेशा लिंकअप की अफवाह उड़ती है। बता दें कि इससे पहले फरमान का नाम सुंबल तौकीर खान के साथ भी खबरों में रहा था, लेकिन फिलहाल श्वेता तिवारी के साथ उनके रिलेशन की बात को लेकर वो चर्चाओं में आ गए। श्वेता तिवारी जैसी एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ना अपने आप में ही चर्चाओं का विषय हो जाता है और वैसे भी श्वेता तिवारी लाइमलाइट के लिए ही जाने जाती हैं या फिर अपनी शादियों के लिए जाने जाती हैं जो कि निभ नहीं पाई, बन नहीं पाई। खैर जो भी हो, खबर थी जो हमने आपके सामने ला दी है और सारी की सारी कहानी इस वीडियो में क्लियर भी कर दी है कि भाई उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। खैर खबर थी तो आपको दे दी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।